सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज कोई इंट्रो नहीं है, आज कोई डेयर नहीं है, आज कोई तनीषा को प्रैंक कॉल नहीं है। आज का टॉपिक आज बहुत सीरियस है, मैं बहुत सीरियस होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आप लोगों से सोच रहे होंगे कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। गाइस, इस वीडियो के ज़रिए मेरे को बस आपको कुछ बताना है, अपनी चीज़ें बतानी जो मेरे को सुनने में आई है। यार, जैसा कि आप जानते हैं, सुशांत सर की अभी डेथ हुई है, उन्होंने अभी सुसाइड करा है। मेरे को न्यूज़ आई, मैं शॉक था, लिटरली मैं शॉक्ड था कि यार अभी उनका करियर स्टार्ट हुआ, इनकी इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ निकली, केदारनाथ। गाइस, उनकी बेस्ट मूवी मेरे को केदारनाथ लगी है, छिछुए भी बहुत अच्छी थी। बट यार, इस चीज़ को मैं आगे लाता हूँ, और मतलब मेरे को आपको एक चीज़ शेयर करनी है इस वीडियो के ज़रिए। मतलब जैसे मैं हूँ, तो मेरा एक सपना था कि मेरा सपना है कि मैं अपने छोटी सी जगह से बड़ा होके एक मतलब बॉलीवुड में जाऊँगा, बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करूँगा, बॉलीवुड के लोग काफ़ी अच्छे हैं। बट मेरे पे जब चीज़ें सामने आने लगी ना, अब मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि ये इंडस्ट्री हमारे लिए नहीं बनी, ये इंडस्ट्री हमारे लिए नहीं बनी है, ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बनी है जिनका कोई गॉडफादर है। गॉडफादर इन द सेंस, राजा का बेटा राजा, जिसका बेटा जिसका बाप, सॉरी मैं गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, किसी के डैड अगर इंडस्ट्री में कोई प्लेटफॉर्म पे है, तो उनका बेटा भी वही बनेगा, उनका बेटा भी वही राजा का बेटा राजा। हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है ये चीज़ें। मैं बहुत सारी चीज़ें सामने आई, जैसे कि मैंने बहुत सोचा कि यार इंडस्ट्री के लोग कितने मिलनसार होते हैं, कितने होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, मतलब कितने अच्छे होते हैं। तो सुशांत सर की डेथ हुई, सुसाइड, डिप्रेशन, मुझे लगा चल हाँ डिप्रेशन आया, यार किस चीज़ का डिप्रेशन आया, मुझे ये नहीं पता था कि किस चीज़ का डिप्रेशन आया उन पर। बट मेरे को लगा चल डिप्रेशन आ गया होगा, कोई अलग बात होगी, पर डिप्रेशन लाने वाले ही ये इंडस्ट्री वाले हैं। मेरे को बहुत सारी चीज़ें सामने आई गाइस, मैं आपको सारी चीज़ें शो करूँगा। यार मैं इंडस्ट्री के लोग, यार इंडस्ट्री कैसी सी है यार, किसी को छोटे बंदे को कभी बड़ा नहीं बनने देगी। सुशांत सर ने एकदम बोलते हैं ना यार, स्ट्रगल बोलते हैं जैसे, उनको बोलो भाई स्ट्रगल उन्होंने करी है। बट अब जितने भी मेरे बॉलीवुड एक्टर फेवरेट थे गाइस, अब कोई फेवरेट नहीं है मेरा, सबके रूप दिख गए मेरे को। झूठी तसल्ली मत दिया करें यार ये इंडस्ट्री वाले। सुशांत सर की डेथ हुई, फोटो डाल दी, लाइंस डाल दी, वो डाल दी, हो गया ठीक। मैं यार इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ज़रा एक क्लिप शो करता हूँ, आप ज़रा उस क्लिप में देखिए कि ये क्या हो रहा है, कैसी रिस्पेक्ट मिल रही है एक बंदे को जो स्ट्रगल करके इतना आया। देखिए जरा, आ जाओ काम आप भी। थैंक यू गाइस, ये भी आ जाओ। सो गाइस, जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा, श्रद्धा कपूर और एक डायरेक्टर, उनका नाम डायरेक्टर है प्रोड्यूसर में, उनका नाम नहीं पता, वो शायद केक काट रहे हैं, और जैसे सुशांत सर आगे हाथ बढ़ाते हैं तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। बट फिर भी वो स्माइल कर रहे हैं और खुद हंस रहे हैं, उनको कुछ मतलब उनके चेहरे पे उन्होंने नहीं दिखाया कि उन्हें बुरा लगा, आपको उस क्लिप में सरासर दिख रहा है। यार जो करते हैं ना, ये जितनी भी एक्टर हैं, ये आलिया भट्ट जो भी है, मैं क्या उनका नाम लूँ, नहीं आती इन्हें एक्टिंग, इन्हें असली टैलेंट की कदर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। बोलते हैं ना, सोचते हमारे बाप दादा ये हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। मेरे पे एक दो क्लिप और है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो बस मैं एक चीज़ बता रहा हूँ यार, उन सुशांत सर ने इतनी मेहनत करके वो मुकाम पाते, और बल्कि सुशांत सर खुद बोलते थे कि आप मेरे की मूवीज़ को देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। और कितनी बड़ी बात लोगे कि एक एक्टर
हम हमारे तो भाई हमारे तो वो मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं। एक एक्टर बोल रहा है कि बैक कर रहा है कि भाई हमारी मूवी देखो, और जो मैं रीज़न बता रहा हूँ, जो मतलब लोग बोल रहे हैं कि डिप्रेशन किस चीज़ का है, डिप्रेशन लाया कौन, डिप्रेशन लाए ये लोग, जरा इनकी फ़ोटोज़ देख लो आप। सो गाइस, ये लोग थे, मुझे न्यूज़ में ये आया सुनने में, मुझे नहीं पता ये कन्फर्म्ड है या नहीं है, बट सुनने में आया है, तो एक बार नहीं सुनने में आया, मेरे को हज़ार लोगों से सुनने में आया कि सुशांत सर की 6 महीने पहले इन लोगों ने 6 मूवी बैन कर दी, 6 और समथिंग एल्स, मेरे को नंबर नहीं पता, इनकी मूवी बैन कर दी थी। मूवी बैन कर दी थी। हमें सही यार, ये सच बात है, बंदा सामने से दिखने के मैं कितना भी खुश क्यों ना हो, अंदर से कितना टूटा हो ना, वो बंदा वही जान सकता है। और गाइस, और जैसे उन्होंने मूवी डाली, उनकी मूवी थी छिछोरे, उन्होंने उसमें बताया था कि सुसाइड करने का कुछ हल नहीं है, ये वो, बट सर ने खुद कर लिया। हमें ये लगता है, कहने की बातें होती हैं कि भाई डिप्रेशन है तो यार डिप्रेशन से मर नहीं सकते हैं, उस बंदे से पूछो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उस वो कितनी ऐसी सिचुएशन से जूझ रहा था, सॉरी। और जो बंदे मेहनत करके आए ना, और मैं सच बताऊं, मैं कंगना रनावत मैम का आज से बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। मैं आपको उनकी एक वीडियो दिखाता हूँ, उन्होंने अपनी IGTV पर डाली है, उस वीडियो को सल्यूट है, और एकदम सच बात बोली उन्होंने, जरा आप उनकी वीडियो देखें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झिंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई अक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई अक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे अक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें? सो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, कंगना मैम ने बताया गली, सही बात है यार, गली बॉय जैसी इतनी घटिया मूवी को तुमने अवार्ड दे दिया, काय पोचे, छिछोरे, केदारनाथ और MS धोनी जैसी मूवीज़ को उनको आज तक एक अवार्ड नहीं मिला। और मैंने बोला था, सर खुद कह रहे थे कि मुझे इस इंडस्ट्री वाले निकाल देंगे, यार इतनी ख़राब इंडस्ट्री, झूठी हमदर्दी ये पूरी इंडस्ट्री दिखा रही है। मैंने देखी सबको मैंने सर्च मार के देखा है, मैंने पूरी डिटेल्स ली इसकी चीज़ की, ये बिक गई है भाई इंडस्ट्री, भाई मरने से पहले उसकी कदर नहीं थी उस बंदे की, मरने के बाद कदर आई है उनकी, ठीक है, वाह बहुत बढ़िया। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, रियल टैलेंट को प्लीज़ सपोर्ट करिए, ये जो गॉडफादर्स बनते हैं ना ज़्यादा, मैं तो सच बताऊँ, मेरा भरोसा उड़ गया इन चीज़ों से, कोई बड़े बड़े स्टार्स का फेवरेट नहीं है गाइस, अब सिर्फ उनको ही सपोर्ट करूँगा मैं जो अपनी मेहनत से अपने मुकाम पे पहुँचे। और उस जो बंदा यार मेहनत से अपने मुकाम पे पहुँचा ना, वो इंडस्ट्री वाले उसको दबाते हैं उतना ही, जीने नहीं देते, आखिरकार बंदा फ्रस्ट्रेट होके डिप्रेशन में आके बंदे ने सुसाइड कर लिया। बट दिस इज नॉट द ग्रेट गुड थिंग। अब मैं क्या कहूँ इस वीडियो के बारे में यार। सो गाइस,
इस वीडियो को मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा, मैंने बस बता दिया कि इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या है ये इंडस्ट्री। तो ज़्यादा वीडियो को ना बढ़ाते हुए गाइस अब ख़त्म ही कर रहा हूँ मैं। सो बस एक ही चीज़ लास्ट में मैसेज दूंगा गाइस, प्लीज़ रियल टैलेंट को सपोर्ट करो और रियल टैलेंट को आगे बढ़ाओ, गॉडफादर को नहीं। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।